और इंदौर ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 11 लाख पौधे रोपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी बनने के अभियान में जुट चुका है। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर अभियान की तारीफ की। गृहमंत्री अमित शाह अभियान में शामिल होने के लिए खुद इंदौर पहुंचे और इसी दौरान गृहमंत्री ने इंदौर और सीएम यादव की खूब तारीफ की। देखिए, इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा, इसका हम सबको आनंद। इंदौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये भरोसा यूं ही नहीं है। जरा ये तस्वीरें देखिए, खुशी से झूमता इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय भी खुद को जश्न मनाने से रोक नहीं पाए। इंदौर ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है और इसकी शुरुआत इस अंदाज में की है कि पूरी दुनिया में इंदौर का डंका बज रहा है। इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री ने पितरेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा, इसका हम सबको आनंद। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जिताने के लिए एमपी का आभार भी जताया। जनता को हृदय से दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इससे हम सब जानते हैं, देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर वन बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। पौधारोपण अभियान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुशी जताई। बोले, इंदौर जो करता है अलग हटकर करता है, शहर की पूरे देश में पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है, इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती। पवित्र माँ शिप्रा वो इंदौर से निकलती, गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। कहा, नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा मिलेगा। उन्होंने एमपी में नई शिक्षा नीति की शुरुआत पर खुशी भी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।